भारत और मालदीव के बीच चल रही टेंशन के बीच नई दिल्ली ने मालेगुई को झटका देने की तैयारी कर ली। लक्षद्वीप को मालदीव का विकल्प बनाने के लिए भारत केंद्र शासित प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट तैयार करने का प्लान बना रहा है। इस नए एयरपोर्ट को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यहाँ से न सिर्फ सिविलियन बल्कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। सूत्रों के अनुसार प्लान के तहत यहाँ ज्वाइंट एयरफील्ड बनाने की तैयारी है, जो फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के काबिल हो। मिनिकॉय द्वीप पर नए एयरफील्ड को बनाने का प्रस्ताव पहले भी दिया जा चुका है, मगर नए प्लान के तहत डिफेंस और सिविलियन दोनों कामों के लिए ज्वाइंट एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव पहली बार दिया गया है। सरकार के इस फैसले का मकसद लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही साथ यहां से अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सर्विलांस क्षमताओं को मजबूत भी करना चाहती है। नए एयरफील्ड से भारत को एक तीर से दो निशाना लगाने का मौका मिलने वाला है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर नए एयरफील्ड को तैयार करने का पहला प्रस्ताव इंडियन कोस्ट गार्ड ने दिया था। मौजूदा प्रस्ताव इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय वायुसेना एयरफील्ड से ऑपरेट करना चाहती है। एक बार ऑपरेशनल होने के बाद एयरपोर्ट से डिफेंस फोर्सेस की सर्विलांस क्षमता के साथ साथ स्थानीय पर्यटन उद्योग की आय भी बढ़ जाएगी। सरकार ने पहले ही लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने का प्लान बनाया है। वर्तमान में लक्षद्वीप के अगत्ती में सिर्फ एक एयर स्ट्रिप है, जहाँ कई तरह के विमान लैंड नहीं कर सकते हैं। मालदीव के तीन डिप्टी मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शियोन और अब्दुल्ला महमूद माइजद के जरिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की वजह से भारत के साथ उसके रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। तीनों मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मजाक उड़ाया, जिसके बाद उन्हें मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। मालदीव के विपक्षी नेताओं ने भी सरकार के मंत्रियों की टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की। मालदीव सरकार ने बयान जारी कर तीनों मंत्रियों की टिप्पणियों से किनारा कर लिया और भारत को एक प्रमुख सहयोगी बताया। हालांकि रिश्ते खराब होने की आहट तभी लग गई थी जब मोहम्मद मोइज़्ज़ू राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान भारत विरोधी कैंपेन चलाया। राष्ट्रपति बनने के बाद मोइज़्ज़ू ने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को द्वीप छोड़ने को भी कह दिया। मोहम्मद मोइज़्ज़ू को चीन समर्थक माना जाता है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने चीन से गुजारिश की कि वो उनके देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटकों को भेजे। चीन के फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन को द्वीपीय राष्ट्र का निकटतम सहयोगी बताया। मोइज़्ज़ू ने कहा कि चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास साझेदारों में से एक है।